जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 मार्च के बारे में। 22 मार्च के दिवस के बारे में बात करेंगे तो इसमें दो दिवस मनाया जाता है। पहला आपका वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, दूसरा बिहार दिवस। बिहार दिवस एक राज्य स्तर का दिवस होता है और ये दूसरा विश्व जल दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस होता है। सबसे पहले हम विश्व जल दिवस के बारे में बात करेंगे तो इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। तो जल संरक्षण का महत्व जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, पीने योग्य जल के महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए। अब बात करते हैं को इसका प्रस्ताव कब रखा गया। तो यूएन ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित ई का मतलब इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण और डी मतलब डेवलपमेंट मतलब रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण विकास सम्मेलन में 1992 में इसका प्रस्ताव रखा था। उसके पश्चात 1993 में फर्स्ट टाइम इसे मनाया गया था या सम्मिलित रूप से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। फिर हम इसके डाटा में बात करते हैं कि इसके संदर्भ में क्या क्या डाटा प्रस्तुत हुए हैं। अभी तो लगभग 4 बिलियन पर ईयर लोग वाटर इसका मतलब कमी वाटर की कमी का अनुभव करते हैं अभी एक साल के अंदर। अब 2022 की बात करते हैं, 2022 की थीम क्या है। तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अब ये जो थीम है इसको प्रस्तावित किसने किया, कौन सा सेंटर था, कौन सा संगठन था। तो इसको प्रस्तावित करने के लिए IGRAC संगठन है, एक तरीके से सेंटर है, इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर, इसने इस थीम को प्रस्तावित किया। हम बात करते हैं बिहार दिवस के बारे में। बिहार दिवस को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जो है बंगाल से इसका गठन किया गया था, जब से गठन किया गया था तभी से बिहार दिवस भी को मनाया जाता है। और वो तारीख कौन थी, 22 मार्च 1912 पहली बार मनाया गया था। और यह एक राज्य स्तर मतलब ये कहीं ना कहीं स्टेट लेवल की है, कहीं राष्ट्र में नहीं मनाया जाता क्योंकि ये एक स्टेट लेवल का दिवस मनाया जाता है। हम बात करते हैं ये जो है बिहार में एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले रिपब्लिक सिस्टम की शुरुआत की, कहने का मतलब गणतंत्र सिस्टम की शुरुआत की। कहने का मतलब ये है कि किसी भी राष्ट्र या किसी भी राज्य की जनता के द्वारा उस राष्ट्र के प्रतिनिधित्व या राज्य के प्रतिनिधित्व का चयन किया जाता है, मतलब लोगों के मत के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व का चयन किया जाता है, उसे हम कौन से सिस्टम बोलते हैं, रिपब्लिक सिस्टम। अब हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, बिहार के इतिहास के बारे में। तो इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आपकी बिहार के नालंदा जिले के में स्थित है। उसका नाम का अभी नहीं है, अभी मतलब पहले थी, अभी तो उसका कुछ अवशेष मतलब अभी नहीं है वो। तो कौन सी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये 2022 में इसका 110वां संस्थापना दिवस मनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि दुनिया की सबसे पुरानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान समय में स्थित भी है कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो अल कुआरोयून अफ्रीका में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों।